राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने वाले उत्तर प्रदेश के दो जिम्नास्ट खिलाड़ियों को अंतिम समय हटा देने का विवाद गहरा गया है। दोनों छात्र आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में लंबे समय से पसीना बहा रहे थे। यूपी जिम्नास्ट एसोसिएशन ने नाम हटाए जाने पर एतराज जाहिर किया है, वहीं अन्य खिलाड़ियों ने इस पर नाराजगी जताई है। इस कदम से दोनों खिलाड़ी बेहद आहत हैं। खिलाड़ियों ने एक वीडियो बनाकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दूसरे और तीसरे स्थान पर आने के बाद चौथे स्थान वाले को भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने खेलने की स्वीकृति दे दी। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। हम लोग एक महीने से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और लास्ट टाइम जो टीम डिसाइड हुआ है उसमें हम दोनों का नाम नहीं है। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेडल के लिए। हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी क्या गलती? हमने तो अपना कॉम्पिटिशन अच्छा दिया, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और आज हमारा इंडिया हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है।